हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए राकेश सिंघल और आपका स्वागत है हमारी डेली सीरीज कल के बाजार में क्या करें। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजारों की, आज यानी 9 अप्रैल के बाजारों की। तो बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी आज 8973 पर ओपन हुआ और उसके बाद निफ्टी ने एक लो लगाया 8905 का, लेकिन उसके बाद ग्लोबल मार्केट से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट लेते हुए निफ्टी में तेजी देखी गई और शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई और निफ्टी ने 9128 का हाई लगाया और फाइनली निफ्टी ने 9112 पर क्लोजिंग दी। निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। अगर हम कल के लिए बात करें, कल यानी मंडे यानी 13 अप्रैल को निफ्टी अगर 9130 का लेवल तोड़ता है और एक घंटे से ज्यादा अगर सस्टेन करता है तो हम निफ्टी में 9250 से लेकर 9400 तक के लेवल हम देख सकते हैं, क्योंकि 9130 का जो लेवल है निफ्टी इस पर जाके कई बार अटका है। तो यानी कि रेजिस्टेंस हम इसको मान सकते हैं, अगर वो रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तभी ऊपर के लेवल में जा सकता है। अदरवाइज निफ्टी में डाउन साइड में हम 9000 से लेके 8900 तक के लेवल देख सकते हैं नीचे में। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ओपन हुआ 19553 पर और उसके बाद 19167 का लो लगाया, लेकिन शॉर्ट कवरिंग की वजह से बैंक निफ्टी ने 19988 तक का हाई लगाया लेकिन 20000 का लेवल नहीं तोड़ा, ये एक देखने वाली बात है। और 19914 पर फाइनली बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। अगर हम कल की बात करें तो यानी 13 अप्रैल मंडे को बैंक निफ्टी अगर 20300 का लेवल तोड़ता है तो और एक घंटे से ज्यादा अगर सस्टेन करता है तो हम 20900 से लेके 21500 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। अदरवाइज डाउन साइड में बैंक निफ्टी में 19400 लेके 18700 तक के लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। अब बात करते हैं हमारे व्यूअर्स के कुछ सवालों की। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल आया है महावीर कोठारी जी का बंधन बैंक पर। इसका करंट प्राइस है 192 रुपीस और लास्ट वीक अगर हम टेक्निकल चार्ट पर बात करें तो बंधन बैंक ने वीकली चार्ट पर एक डोजी कैंडल फॉर्म किया था, जो कि इसका मतलब है कि स्टॉक में एक रिवर्सल आ सकता है। यानी कि अभी तक स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था जो कि स्टॉक अब अप ट्रेंड में जा सकता है। तो अगर ये बंधन बैंक का स्टॉक अगर 215 का लेवल तोड़ता है तो हम इसमें फर्दर 260 से लेकर 270 तक के मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये स्टॉक फर्दर गिर सकता है और 170 से लेकर 160 तक के लेवल दिखा सकता है। हालांकि हमारा व्यू अभी भी यही है कि आपको बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर से दूर रहना चाहिए और अभी कम से कम एक क्वार्टर तक इस स्पेस में अभी आपको कुछ भी पोजिशन नहीं लेनी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन महावीर कोठारी जी का यह आईसीआईसी बैंक पर। आईसीआईसी बैंक का अभी करंट प्राइस है 343 और स्टॉक का एक मेजर रेजिस्टेंस 365 के आसपास है। अगर स्टॉक ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो हम 375 से 400 तक के लेवल देख सकते हैं, लेकिन स्टॉक में फर्दर रैली के लिए 400 का लेवल भी तोड़ना होगा। अदरवाइज स्टॉक 320 से लेकर 300 तक के लेवल नीचे में दिखा सकता है और हमारा भी फिर भी वही है कि बैंकिंग सेक्टर से आपको अभी दूर रहना है एक क्वार्टर के लिए। बाकी अगर आपका किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर कोई क्वेश्चन है तो हमें जरूर लिखें, हम उसके कोई आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुनाफा कमाते रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।